का ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। आप घर घर में जाके असलियत बताएं। का दंगल, जी हां, मैं हूं हुमरा आलम। लोकसभा चुनाव 2019 में यूं तो देश के कई सीटों पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन दिल्ली में 7 सीटों पर मुकाबला कड़ा और बेहद दिलचस्प हो गया है। गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने केजरीवाल को खूब छकाया। दोनों तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर दावा और दावपेच लगाते रहे, लेकिन अंत तक नतीजा नकारात्मक ही रहा। इसके पीछे की वजह दोनों के अपने अपने सियासी हित हैं। वैसे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहां की सभी 7 सीटों पर कब्जा बीजेपी का है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसे बचाए रखना है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिमी सीट पर दलित नेता उदित राज का टिकट काटकर पंजाबी गायक हंसराज हंस को पैराशूट के तौर पर उम्मीदवार उतारा है, उसे बीजेपी की बेचैनी और परेशानी समझी जा सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए कुछ सुकून की बात यह हो सकती है कि दिल्ली में किसी भी तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। इधर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग के इर्द गिर्द ही दिखता और वो अपनी लड़ाई इसी के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी खो चुकी सियासी जमीन को पाने के लिए अपने तमाम अनुभवी सिपह सलारों को मैदान में उतारा है। यानी तीनों पार्टियों के बीच जारी दांवपेच ने दिल्ली के दंगल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में जनता किस पर दांव लगाती है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा करते हैं। नेहा शालिनी दुआ मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही अजय वर्मा कांग्रेसी नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजीव निगम आम आदमी पार्टी नेता, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, के तमाम मेहमान हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं जिनसे हम करेंगे खास चर्चा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संजीव कौशिक जी, कैसे देखते हैं दिल्ली को, दिल्ली की राजनीति और ये लोकसभा चुनाव जो अब होने जा रहा है और तीनों ही पार्टियां, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कैसा रहेगा? देखिए, दिल्ली की राजनीति तो बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक आम आदमी पार्टी को यदि हम छोड़ देते हैं तो बाकी बच जाते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो किरदार जो बच जाते हैं। उसमें अफरा तफरी का माहौल कैसा है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकती हैं कि कैसे कैसे दोनों पार्टियों में ऊपर से उम्मीदवार पैराशूट से उतारे जा रहे हैं। कहीं पे गायक को उतारा जा रहा है पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, तो कहीं पे किसी बॉक्सर को खड़ा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। आम आदमी पार्टी, चूंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत मेहनत से और बहुत ही सलीके से अच्छा काम किया है, हकीकत यह है कि उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं, उपलब्धि हैं जिनको गिनाया जा सकते हैं, लेकिन क्या वोटर उसके आधार पे उनको इस चुनाव में वोट देंगे क्या, वो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा क्या? चूंकि इस बार लोगों के जहन में इस चुनाव में खास करके ये बात होती है कि अभी जो बटन दबाने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए हम बटन दबाने जा रहे हैं, तो सेंटर में कौन आएगा, जी सेंटर में कंफ्यूजन रहेगी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि यदि वो अपने कार्यों के आधार पर यदि बढ़त बनाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे कार्य उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मील के पत्थर साबित होने वाले काम किए हैं। लेकिन दिलचस्प भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2014 में 7 सीटों पर बीजेपी रही जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर नेहा शालिनी दुआ जी कैसे देखती हैं, 7 सीटों पर आप ही के रहे थे नेता, आपको आसानी होगी शायद उन मुद्दों पर जाना, क्योंकि कामकाज किया होगा तमाम सांसदों ने? जी बिल्कुल, काम किया है। आप देखिए दिल्ली की जो केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो है उसमें आज ही मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके अलावा ये है अमित शाह और मोदी की जोड़ी आएगी तो हमारा बोरिया बिस्तरा उड़ जाएगा, या अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई मेन वो मुद्दा है तो उनके पास सिर्फ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना। तो मैं दिल्ली वालों को बताना चाहती हूँ कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनता है तो उसके कितने नुकसान हैं,
एक तो स्टेटहुड मतलब वो कैपिटल नहीं रहेगी, हिंदुस्तान की कैपिटल नहीं रहेगी। दूसरा, जितनी उसको फैसिलिटीज मिली हुई है, कमोडिटीज या फ्यूल प्राइजेस कम हो रखे हैं, क्योंकि और राज्यों में देखिए फ्यूल प्राइजेस बहुत हाई है, चाहे आप बैंगलोर देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, सब जगह फ्यूल प्राइजेस बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए आधे से भी कम फ्यूल, अदर कमोडिटीज में गैस, ये सब कुछ जो दिल्ली में है पूर्ण राज्य ना होने की वजह सस्ता, तो गरीब तबके के ऊपर लात पड़ेगी अगर इसे पूर्ण राज्य होती है। पर आप जो केजरीवाल बताते हैं कि फंड में जो कटौती होती है वो इसीलिए होती फंड में कटौती, पूर्ण राज्य हो जाएगा तो फिर वो नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन फंड में कटौती किसके पास नहीं जाएगा, सिर्फ इनके विधायकों के जेब में नहीं जाएगा ना, वो नहीं भरेंगे, लेकिन जनता की जेबें तो भरेंगी ना, फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे, गैस के प्राइसेस कम होंगे, तो इससे जनता का तो फायदा होगा, तो हम जनता का फायदा पहले देखते हैं, बाद में किसी और पार्टी। तो तीसरी बात जो ये मोर बहुत बोलते हैं कि पावर और मतलब बिजली और पानी, ये इनका मेन मुद्दा हर इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में भी यही रहा, इस इलेक्शन में भी यही है। तो आप पूर्ण राज्य अगर बना देंगे तो बिजली और पानी, जिसका आपका अपना कोई प्लांट नहीं है, आप अपने पड़ोसी राज्यों से बिजली लेते हैं और पानी लेते हैं, ये भी डबल और ट्रिपल रेट पे चले जाएंगे, तो आप इसका नहीं सोचते कि इसका सीधा साधा जनता पर, जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे कितना भारी असर पड़ेगा। तो आप आम आदमी के लिए नहीं सोच रहे, आप अपने विधायकों के लिए सोच रहे हो और अपने लिए सोच रहे हैं। संजीव निगम जी, मेरे ख्याल से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बातें कह गई हैं। मैं आज पूर्णतया असहमत हूं और इसलिए असहमत हूं क्योंकि ये जो सवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य वाला है, वो सिर्फ आप आम आदमी पार्टी तो अभी सत्ता में आई है, जब आई है तब उसने उठाया, हमारी पार्टी का भी उदय कितना समय हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था सवाल। आप देख लेंगे कि मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे तब उठाया गया इसका प्रश्न, जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तब उन्होंने भी प्रश्न उठाया। तो सवाल ये है कि अब आप लाना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ आप इसलिए इस तरीके के जो बहाने आप बता रहे, आपकी इच्छा आपकी मनसा, जब आप पावर में थी इस इंटर में थी कांग्रेस पार्टी की, फैक्ट्स है, लेकिन सवाल ये है आप उस चीज को देखें ना कि मदन लाल खुराना जी ने विधानसभा में बोला हुआ है पर लाए तो नहीं ला पाए, वो एक अलग बात, लाने की पूरी इच्छा थी, लाना चाहते थे और कांग्रेस भी लाना चाहती थी, और इस बार दोनों ने, क्योंकि भाई हो सकता है कल आपकी क्या आपको आप मान बैठे हैं कि हमारी सरकार कभी आएगी नहीं। इस चर्चा के बीच में ही तस्वीरें दिखा रहे हम बनारस की रोड शो की, BHU के गेट से शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के। तो संजीव जी एक बार जरा इस पर भी बता दें, काशी में एक बार फिर से 2014 की तरह, क्या 2019 में भी आपको वही माहौल वही रंग नजर आता है? नहीं, मोदी जी ने वाकई काशी के लिए तो बहुत काम किया है, उन्होंने अब क्योटो कितना बना पाए हैं नहीं बना पाए हैं ये तो वहाँ की जनता देख रही है समझ रही है, लेकिन ये मोदी जी की खासियत है और ये इनके चेहरे का एक आकर्षण है कि आप देख रही हैं पूरा भगवा में पूरा हुआ पड़ा है अभी काशी, और लोगों का प्यार उनको मिला है निश्चित तौर पे। हमें लग रहा है कि जिस तरह से एक हवा बन रही थी कि नहीं प्रियंका को उतारा जाएगा इनके विरोध में, मुझे लग रहा था पहले से ही कि ये हवा केवल मीडिया के द्वारा चर्चा दिल्ली पे थी, लेकिन हम जरा काशी पे भी कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, अजय वर्मा जी। अजय जी, प्रियंका गांधी जी उतरने वाली थी, कह भी रही थी, कुछ मैसेज भी ऐसा आ रहा था और इंडिकेट भी हो रहा था कि शायद कांग्रेस उनको उतार सकती है, एक बड़ा एक रिस्क कार्ड होगा ये, लेकिन फिर भी कांग्रेस खेलेगी, लेकिन फिर आखिरी वक्त में क्या हुआ? देखिए, प्रियंका जी हमारी स्टार प्रचारक हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनकर आई थी दोनों के लिए। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं, हम लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ के बीच में, हम 99% लोगों के साथ, जो बेरोजगारी के नाम पर ठगा गया, जो काले धन के नाम पर ठगा गया, जो 15 लाख के नाम पर ठगा गया, जिसकी आर्थिक असमानता की दर बढ़कर 76%, पूंजी 1% पे पहुंच गई, 24% पूंजी 99% पहुंच गई, हम उन लोगों के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें हार जीत की चिंता नहीं है, हमें हार जीत की चिंता तो इन नामदार सूट बूट वाले प्रधान चौकीदार कहूँ, माननीय प्रधान सेवक कहूँ, या मैं प्रधान, पहले प्रधान चाय वाले, फिर प्रधान सेवक, अब प्रधान चौकीदार, और चौथा नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा है। 5000 किलो फूलों की वर्षा, भगवान शिव की नगरी में जो देवताओं पे पुष्पों का अपमान हो रहा है, आम आदमी को देवता बनाया जा रहा है। लोकतंत्र ये कहता है भारत का कि आप राजा हो या प्रजा हो, या तो यहाँ तानाशाही लागू हो जैसे कोरिया में लागू है, यहाँ तो कोरिया को भी फेल कर दिया, कोरिया का तानाशाही शासक भी फूलों की वर्षा नहीं कराता अपने
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नामदार प्रधानमंत्री हैं, 160 कंट्री घूमा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपका हूं, आपके बीच हूं, सड़क पे आया हूं, झूला लेके चला जाऊंगा। जब आपको सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, तो ये 2,500-5,000 फूलों की वर्षा आप क्यों करा रहे हैं? लेकिन ये भीड़ जो है कांग्रेस नहीं को सोचने अभी, अभी मैं भीड़ भीड़ की आपको बता दूं, मेरे पास सबूत है जी। एक मेरे पास एक वीडियो है बहादुर सिंह कोरी, भरतपुर के इनके सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, नाम सुन लीजिए, सारे दर्शक देख लें, सहारा समय भी पूछता, हम भी पूछते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी और अमित शाह की रैली के लिए, ये रैली पिछली रैली इंदिरा जी जैसी रैली या राजीव जी जैसी रैली नहीं है, यहाँ पर बुलाने के लिए हर विधानसभा को 10-20 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भेज दूँ, आप अपने टीवी पर चला के सुनवा देना। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इन्हीं के एक सांसद कह रहे हैं। तो भीड़ अब ये तो एक काशी के लोग बताएं, ये जाने कि किस तरह से भीड़ आई है, लेकिन वहाँ संतों को काशी के नहीं भाई, काम लोगों को ठगने का काम इन्होंने मंदिर के नाम पे जो 2014 पे झूठ बोल के आए थे कि साथियों पूर्ण बहुमत दीजिए अध्यादेश लाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, और फिर 5 साल किए थे 2014 में काशी में, कहते हैं कि बीजेपी ने पूरे किए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, काशी पहले मेरा सुन लीजिए, पहले मेरा खत्म कर दूं फिर आप बोल लेना। काशी ही का मतलब हिंदुस्तान को, यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो उसी बनारस में नामदार तानाशाह चौकीदार पहुंचे हैं, 5,000 किलो फूल, करोड़ों अरबों रुपए जनता का टैक्स का पैसा सुरक्षा के नाम पे खराब हो जाएगा, क्या जरूरत थी भाई इसकी? आपका तो कहते काला धन निकलवा लिया हमने नोटबंदी करके, ये जो काला धन पूरे देश में आया, भ्रष्टाचार हो रहा, ये इनकी मानसिकता जाहिर हो गई पूरे देश में कि 4,200 करोड़ का ऑफिस बनाएंगे, प्रधानमंत्री नामदार चौकीदार के ऊपर 5,000 किलो फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से कराएंगे, जनता के टैक्स के पैसे के रूप में करोड़ों रुपए खर्च कराएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, ये सब क्या है? ये भारत पूछ रहा है, जनता पूछ रही है। की बात सुन रही थी जो प्रधान सेवक, चौकीदार, चाय वाला, क्या कहते हैं, चौकीदार चोर है, ये सारे नाम आप लोगों ने ही दिए हैं हमारे प्रधान सेवक को या हमारे मोदी जी को या हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि आप लोग हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, आप लोगों ने कभी उन्हें अपना प्रधानमंत्री तो माना नहीं। दूसरा, हमारे ही वो चौकीदार है, हमारे ये सारे नाम किसने दिए? कांग्रेस ने उन्हें दिए हैं। तो आज इस बात से परहेज क्यों हो रहा है कि उनके ऊपर पुष्प बरसाए गए हैं तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनके अच्छे कामों और अच्छे कर्मों ने, किसी ने कार्यकर्ताओं ने कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ बैठ के, आप यहाँ बैठ के सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं बता दूंगा कौन से फूल वाले सप्लायर ले या फूलों का ठेका दिया गया, कितने में ठेका दिया गया, मैं बता दूं आपको। अफवाहें फैलाना आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरा देश जान रहा है कौन पद के नाम पे ठग लिया गया, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे ठग लिए गए, संजीव निगम 18 साल से 30 साल का वो नवयुवक जिसमें आप भी आती है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना 10 करोड़ नौकरी तो आई नहीं, 5 करोड़ नौकरी कम और कर दी। संजीव निगम, ये है मोदी साहब, यही है तो मुमकिन है। आवाज दबा रही है महिला की, साल में आज तक जो विकास नहीं हुआ, जो इनके विकास कार्यालय में कार्यालय बन गया, बीजेपी के 2,200 करोड़ रुपए से गरीब और गरीब हो गया। नोटों की वर्षा यही है, यही है नोटबंदी में, नोटों की बरसात नहीं हुई है। कपिल सिब्बल साहब ने एक वीडियो दिखाया था कि नोटबंदी के बाद 1,05,000 करोड़ रुपए का खेल किस तरह से, सबूत के साथ, सबूत, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा आपका है, सारी संवैधानिक संस्थाएं भीड़ है, ये तो दिखाई पड़ रही है सभी लोगों को, दिखाई पड़ रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं इस भीड़ को। ये अमित शाह जी दावा करते हैं कि इस बार हम 73 से 74 लेकर के आएंगे, लेकिन वो तो सवाल ये, जब 23 तारीख को जब खुलेगा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि 73 से 74 आ रहे हैं कि 73 से 13 चाह रही, 14 आ रही, 15 आ रही है, क्या स्थिति है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गठबंधन का उत्तर प्रदेश में है, क्यों है? उत्तर प्रदेश में 2 दल गठबंधन, हम और हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कुछ चुनिंदा सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमने प्रत्याशी भी उतारे हैं। बनारस का रुख क्यों नहीं किया? हमारा जहां संगठन मजबूत है, जहां संगठन हमारा मजबूत है, पिछली बार फॉर्मूला गलत हो गया था, पिछली भाई इस बार का तय हुआ है, लेकिन वोट अच्छे मिले थे, जो भी विधायक अरविंद केजरीवाल को 2.5 लाख से ज्यादा वोट, जो विधायक है वो चुनाव नहीं लड़ेगा ये तय किया गया, तो
पिछली बार अरविंद केजरीवाल गए थे वहां पर, इस बार चूंकि ये जब नियम बन गया जितने कोई विधायक है उनको सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो नए लोगों को जहां जहां हमने समझा, जहां जहां हमारा संगठन मजबूत है वहां हमने दिल्ली से बाहर भी दिया। और ये सिर्फ मकसद आम आदमी पार्टी क्या, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही कहते हैं, दूसरे जो गैर लोग कहते हैं साक्षी महाराज कहते हैं या और दूसरे लीडर कहते हैं कि साहब अगर इस बार जो है मोदी साहब का सरकार हमें आना निश्चित हो गया तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। मतलब कांग्रेस की तरह आप भी इमरजेंसी की उम्मीद करें कि हम लोग इमरजेंसी लगा देंगे? हम लोग नहीं, क्योंकि उन्होंने दो साल लगाई थी, कांग्रेस ने दो साल इमरजेंसी यहां पर लगाई थी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट में आपने उदित राज को, यहां पर नई इलेक्शन हो रहा है, मतलब तो ये तो झूठी अफवाहें हैं। उदित राज आपके सांसद, आपके सांसद दिख रहे हैं बीजेपी के लोगों की हार के हाथ में इस तरह से डूबता जा रहा है। दो साल इमरजेंसी कौन सी पार्टी को गुंगा दोनों पार्टियों को पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के दम इंदिरा गांधी जी में थे। मुझे भी शामिल कर लीजिए इसमें, मुझे भी शामिल कर लीजिए। शेरनी थी, संजीव जी जुमलेबाजी नहीं करती थी, नौटंकी नहीं करती थी, अजय वर्मा जी बनाते थे। वर्मा जी मैं ये बोल रहा था, कोई कंट्री से कोई व्यापार नहीं आया। ठीक है राफेल इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, किसी छोटे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। किसान बीमा योजना अब जरा हमें भी शामिल कर लीजिए, हमें भी शामिल कर लीजिए चर्चा में। अंबानी नजर आता है, अंबानी चुनाव में आप मुझे भी सुन लीजिए, बोले ये भाषा किसी करा दीजिए, ये टेम्परमेंट समझ में आता है स्टूडियो से। एक सेकेंड नेहा एक सेकेंड संजीव निगम जी, अजय जी एक सेकेंड, की मांग से पीछे नहीं हटे, 30,000 करोड़ का घोटाला है मोदी है तो तभी मुमकिन है। मोदी है ठीक है, एक सेकंड अब हम थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव कौशिक जी कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं जी। मैं दरअसल में ये बात कहना चाहता था कि भारत के लोकतंत्र में हमारे यहाँ हर एक पार्टी को ये अधिकार है कि वो बताए कि नहीं जंग हम भी जीत रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट हम ही ला रहे हैं, लेकिन कुछ समीकरण भी होते हैं और वो भी बहुत कुछ कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी अपने रो में वही चल जा रही है कि नहीं पहले से ज्यादा हम सीट लाएंगे, जबकि हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वहां पे उसके पीछे रीजन ये है कि सिर्फ आंकड़ों की यदि बात एक बार कर ले हम और परसेंटेज की बात कर ले तो उस हिसाब से सपा और बसपा इनका खेल खराब कर रही है। इनके लिए एक गनीमत यह है कि कांग्रेस पार्टी उस समीकरण में या उस खाके में बीच में बैठती नहीं है, वो बाहर है, इसलिए थोड़ा सा इनको राहत अभी मिलने की बात है। दूसरी चीज मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं और मजबूती के साथ काम किए हैं तो हर एक जलसे में, हर एक तहरीर में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि आपने काम क्या किया और उस काम के आधार पर आपको वोट मांगने चाहिए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी नेहा बता रही है कि नहीं चौकीदार आपने नाम दे दिया, नामदार आपने नाम दे दिया, तरह तरह की बात कर रहे हैं। मैं आज सुन रहा था भारत के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि एक बटन दबाओगे और ये वोट सीधे मोदी के पास आएगा, मतलब कि मोदी के पास आएगा, मोदी ही पार्टी है, मोदी ही सरकार है और मोदी ही सब कुछ है। तो जब सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, सारी जवाबदेही आपके ऊपर है, तो केवल और केवल सफलता का श्रेय आपके सर पे नहीं रखा जाएगा। आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप जहां विफल होते हैं तो विफलता का भी अब ठीकरा आपके सर पे फोड़ा जाएगा। आपने नोटबंदी कर दी, एक बार भी चर्चा है किसी मंच से कि नोटबंदी में इतनी बड़ी हमने काम कर दी? एक बार भी चर्चा नहीं है नोटबंदी के बारे में। जीएसटी आपने किया, जीएसटी के बारे में भी मजबूती के साथ आपने चर्चा करी, केवल और केवल आतंकवाद की बात आप करेंगे, केवल और केवल धर्म की बात करेंगे? साहब हम तो ये समझ रहे थे कि पिछले 5 सालों में हमारा मुल्क ऐसे मजबूत हाथों में है, हमारे मुल्क के ऊपर कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। हमें क्या पता था, आप देखिए राष्ट्रवाद के ऊपर मुद्दे की बात सुन लीजिए, बहस नहीं हो रही, मुद्दों की सुन लीजिए अपनी, इंटरपुट ना करें। गुंडा कहते हैं तो किसकी पार्टी ने ये बातें कही? आपने रोजगार की बात करी, बहुत हुई महंगाई की बात करी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं कि सचमुच में महंगाई कम हो गई? आप ईमानदारी से सुन भी लीजिए, बेरोजगारी कम हो गई? पहले जर्नलिस्ट है उनके सुन लीजिए, अपने नंबर पर बता देना आप। हाँ, तो सुने भी ना, ये बहस नहीं हो रही, अपना मौका है तब बता देना। ये बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है,
ये 45 साल वाली बात तो सारे लोगों के जुबान पे है, हकीकत यह है कि 16 के बाद से आपके आंकड़े जारी नहीं किए गए कितने बेरोजगार। मैंने कल ही जिक्र किया था कि दो अधिकारियों को इस्तीफा दे देने की नौबत आ गई थी, ये सारे आपके विरोध में जा रहे हैं क्योंकि आपने काम किए। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं किया, 5 सालों में आपने काम भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको आप दरकिनार कर रही और विपक्ष की विफलता है। मैं आऊंगी आपके पास, दिल्ली पे आ जाते हैं जरा, दिल्ली पर ही हम चर्चा कर रहे थे, बीच में रोड शो आ गया तो हमें ये लेना पड़ गया चर्चा। लेकिन बहरहाल राजनीति दिल्ली की हो यूपी की हो, लेकिन मुद्दे एक जैसे हैं तकरीबन, हमें वही दिखाई देता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली की सबसे अहम और सुर्खियों वाली सीट नॉर्थ ईस्ट सीट है, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी को कांग्रेस के अनुभवी और दिग्गज नेता शीला दीक्षित टक्कर दे रही हैं, और दोनों दिल्ली प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी के कप्तान हैं। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की सीएम रही हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, तो उसने यहां से दिलीप पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। राजनीति में कभी कोई स्टेबल नहीं चीज़ परिस्थिति नहीं रहती है, बदलती रहती है, और जो नए चैलेंजेस आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ज़रा मुझे जाने दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ से लड़ चुकी हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इस जगह को जानती नहीं हूँ, और यहाँ के लोगों से परिचित हूँ और वहाँ के लोग भी मेरे से परिचित हैं, तो उसको देखते हुए क्या मैं कर सकती हूँ, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या चाहिए उन्हें, क्योंकि जो मेट्रो हमने शुरू करी थी वो इसी इलाके से करी थी। चलिए अपने संवाददाता रमेश कुमार का रुख सबसे पहले करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश, ये टक्कर कैसी रहने वाली है, शीला दीक्षित वर्सेज मनोज तिवारी वर्सेज दिलीप पांडे? कोशिश करेंगे एक बार फिर से जाने की। रमेश, अगर आपको आवाज आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में टक्कर कैसी रहने वाली है, कैसा रहेगा मुकाबला? आवाज आ रही है आपको उम्रा? जी 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 उम्रा, मैं बता रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि 5 साल तक लगातार मनोज तिवारी ने काम किया है, उससे पहले 15 साल तक लगातार शीला दीक्षित की एक इमेज है पूरे दिल्ली में, दिल्ली की जनता उनको दिल्ली के संवारने के वाली के रूप में जानती है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जो पिछले दिनों काम किया है वो काम कहीं ना कहीं दिलीप पांडे के हक में जाएगा, और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का जो वादा है, जो पूर्ण राज की मांग है, जो पूर्ण राज मिलने पर जो उन्होंने वादे आज किए मैनिफेस्टो में, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक साथ अगर देखी जाए तो तीनों बहुत ही दमदार कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर होगी। मनोज तिवारी के फेवर में ये होगा कि जो नेशनलिज्म का, जो राष्ट्रीयता की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है और देश को राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात करती रही, कहीं ना कहीं उस पक्ष में वोट जाएगा। और विकास की बात करें तो शीला दीक्षित भी कहीं पिछले दिनों विकास के मायने में कम नहीं रही, दिल्ली को चमकाने में संवारने में, जो जितने ओवर ब्रिज आप देख रही हैं, दिल्ली की जो बस व्यवस्था थी उसको सुधारने में, दिल्ली में मेट्रो लाइन बिछाने में, सारे काम जो भी आज दिल्ली में दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं सारा श्रेय और सारा योगदान शीला दीक्षित को जाता है, इसलिए कहीं भी शीला दीक्षित कमजोर नहीं पड़ती हैं। वहीं अगर आप दिलीप पांडे को देख लें तो जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काम किया, प्राथमिक शिक्षा में जिस तरह काम किया आम आदमी पार्टी ने, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह सुधारी दिल्ली की, आम आदमी की पहुंच पहुंचाई, और जिस तरह आज आप चले जाइए, मनोज तिवारी मौजूदा सांसद रहे हैं रमेश, उनके फेवर में क्या जाएगा, जनता के बीच वो क्या लेकर जाएंगे? जनता के बीच में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सारे राष्ट्रीय मुद्दे जनता के बीच में जाएंगे, और उन्होंने जो काम किया ये अलग बात है, काम करने का श्रेय उन्हें नहीं मिला। सिग्नेचर ब्रिज का मुद्दा आप उठा लें, सिग्नेचर ब्रिज उन्हीं के क्षेत्र में आता है, और सिग्नेचर ब्रिज के मामले में जो विवाद हुआ, अगर आप उन दिनों को याद देखें, अगर आप फुटेज अगर आपको ध्यान में आ रहा है, जिस तरह मनोज तिवारी स्टेज पर चढ़ना चाहते थे और श्रेय लेना चाहते थे, पर आम आदमी पार्टी ने उनको श्रेय नहीं दिया, और जिस तरह उन्हें धक्का दिया गया, FIR हुआ, तमाम तरह के पॉलिटिकल जितने भी कुछ इस तरह की राजनीति हमने देखी है पिछले कुछ सालों में दिल्ली में। संजीव कौशिक जी, ये मुकाबला कैसा देखते हैं? रमेश, आऊंगी मैं आपके पास। देखिए, मनोज तिवारी ने वाकई अपने क्षेत्र के लिए काम किया है या नहीं किया है वो तो क्षेत्र की जनता उनको उनके बारे में बताएगी। बीजेपी के फेवर में जाएगा गठबंधन नहीं होना? बीजेपी के फेवर में निश्चित तौर पे जाएगा ही जाएगा गठबंधन नहीं होना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आसान पिछली बार में मनोज तिवारी जितनी आसानी से उस सीट पे काबिज हो गए थे, क्योंकि उस बार
भारतीय जनता पार्टी की लहर कह ले या मोदी लहर कह ले, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके बारे में कोई अता पता नहीं था, वो कहां से आ गए, कैसे आ गए और किस तरह से वो निकल गए थे, हंसराज हंस और तो वो सारे लोग, इस तरह की बात हो गई थी। तो अब इस बार ये स्थिति नहीं है, इस बार चूंकि 5 साल आपने बिताया है उस क्षेत्र पे रह के आपने काम किया है, तो लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं, आपसे हिसाब पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काम किया, क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है जी, ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। अजय वर्मा जी, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, अजय वर्मा जी, शीला दीक्षित बहुत ही कद्दावर नेता मानी जाती हैं, दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शायद उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों के बीच बहुत कुछ दावा पेश करने की, या कांग्रेस को कैसा महसूस हो, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं क्या गठबंधन के बाद आप लोग जब जा रहे हैं जनता के बीच में तो आपके पास क्या मुद्दे होंगे। देखिए, वो 3 साल 3 बार दिल्ली जैसे राष्ट्र की, दिल्ली देश का दिल माना जाता है, चीफ मिनिस्टर रही और लोहे महिला के रूप में जानी गई थी, विकास महिला के रूप में जानी गई थी, गवर्नर रही, फिर बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का, और सबसे बड़ी उनकी सादगी जो है वो इस तरह से काम नहीं करा करती कि बालाकोट पे तो इधर हमारे 45 सैनिक जवान शहीद हो गए और उसी रात को मनोज तिवारी साहब एक डांस पार्टी में जाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हैं, वो वीडियो पूरे देश में आपके चैनल ने भी शायद चलाया होगा और चैनलों पर तो मैंने देखा था, ये इनकी शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हम ये काम नहीं करते, हम शहीदों के नाम पे ना वोट मांगते हैं, ना हम अभिनंदन का फोटो छुपा कर बीजेपी की तरह वोट मांगते हैं, गली का गुंडा बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आपके टाइम पे ना, बीच में ना बोले, मैं आपके टाइम, आप अपना जवाब दीजिए, अच्छा दर्शक खुश होंगे कि भाई सारे लोग अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बारी बारी कर, हाँ बारी बारी से कर रहे हैं। दूसरा बहुत अच्छी बात, दूसरा और चीज और मैं बताऊं मैडम आपको, अभी मैं खंडन करता हूं आदतन आतंकवादी को, भारतीय जनता पार्टी जो एटीएस के पूर्व चीफ हेमंत करकरे के शहादत को, पहले हम यही सोचते थे कि हेमंत करकरे साहब के मरने पर पाकिस्तान में बम्बर धमाके हुए होंगे, फूटे होंगे, खुशियां मनाई गई होंगी, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिवालियापन और खोखलापन पता चल गया कि उनके शहीद होने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने खुश हो रहे थे, दिवाली मना रहे थे, पटाखे छुड़ा रहे थे। इनकी एक कार्यकर्ता जो आतंकी है, मैं साध्वी इसलिए नहीं कहूंगा कि समाज का अपमान है, साध्वियों का अपमान है, वो एक आदतन अपराधी है, नहीं हुआ। वो एक आदतन अपराधी है, 7 साल से जेल में आप माफी मांगनी चाहिए, बीच में ना बोले ना, आप अपना टाइम है बता देना, है ही नहीं आतंकवादी, आप कैसे उनको कह सकते हैं। मैं विरोध करता हूं, हम ये रोड शो के, वो हेमंत करकरे को अपना आदर्श बताकर उसका विरोध करती है, देश की जनता राई पे एसोसिएशन ने वोट, क्या कांग्रेस यही मुद्दे लेकर जाएगी जनता के बीच, दिल्ली की जनता के बीच जवाब देगी, देश की जनता सब देख रही है। अभी मायापुरी के व्यापारियों पर लठ जो भारतीय जनता पार्टी ने बजवाकर दुकान तोड़वाने का, सीलिंग के नाम पे बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, नोटबंदी जीएसटी कितना बड़ा मुद्दा है, नोटबंदी के नहीं, नोटबंदी सीलिंग जीएसटी काला धन 15 लाख रोजगार दिल्ली का विकास, आखिर कौन सी ऐसी चीज है। आप जवाब सुन लीजिए, अब आप चुप हो जाइए, हाँ हो गया, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुनिए पहले, आप ये बताइए, अभी आपने मुद्दा उठाया, अब आप सुन लीजिए, आपने ये बात बोली, सरकार जा रही है, शहादत की बात बोली, तो आप ये बताइए कि संदीप दीक्षित ने बिपिन रावत जी जो कि हमारे आर्मी के चीफ है, उनको गली का गुंडा कैसे कहा, किसने कहा, ये जग जाहिर है, ये टेलीविजन में सब मीडिया चैनल्स में दिखाया गया कि संदीप दीक्षित ने उन्हें गली का गुंडा कहा, पूरा देश आपको नकार रहा है, ये लंबी लाइन नोटबंदी वाले हैं जिन माताओं बहनों को चोर बना दिया नोटबंदी के बाद, और फेल हो गई वो स्कीम, दिल्ली के विकास के नाम पे ठगा गया, पैसा नहीं देते हैं गंदगी और कूड़े के नाम पर, मुझे बोलने नहीं दे, मैंने पूरा मौका दिया बीजेपी के लोगों में, पूरा मौका दिया बोलने का, इनके बयान भी, एक छोटी बयान भी यहाँ भी बैठी है, इससे जनता समझ सकती है, इनके बड़े बयान भी तो पूरे देश में जुमले फैलाते फिर रहे हैं, भाजपा की आवाज देश, एक इनकी छोटी बयान भी यहाँ भी बैठी है, अपने बयानों से भ्रमित कर रहे हैं पूरे लोगों की, हिम्मत करिए आप, साध्वी प्रज्ञा को लोगों को बोल सकते हैं, मैं निंदा करता हूँ, साध्वी लोग, साध्वी के नाम पर हिंदुस्तान के संत समान साध्वियों का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों मित्रों, हम आतंकवादियों के साथ थे, हम हैं और रहेंगे, हम बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाएंगे, हम बिन बुलाए बीजेपी कांग्रेस में आम आदमी पार्टी कितनी खामोश है। देखिए संजीव जी, ठीक है मैं ये देख रही हूँ, जनता देख रही है कि उन लोगों अजय वर्मा जी मोदी जी को जिताने के लिए ये लोग बेशरम है, इस देश के लोग पूछ रहे हैं आपके क्या संबंध है, झूठ को तैयार करके आईएसआई से आपके क्या संबंध है मोदी जी, बीजेपी के लोग को सरकार बनाना चाहते हैं, राफेल का पैसा जो जनता का 30,000 करोड़ है वो भी वापस चाहते हैं,
एयर स्ट्राइक हुई नहीं। जब मुद्दों की बात करते हैं तो मोदी 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 आ जाते हैं, मुद्दे खत्म हो जाते हैं। मुझे जवाब नहीं दे रही बीजेपी, कुछ नहीं कर सकती मुद्दों के नाम पे मोदी, क्योंकि आप देखना मोदी मोदी मोदी। इन दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये देश के सरोकारी मुद्दों से अलग कुछ और बहस कर पूरा देश ये देख रहा है। ये ट्रैक चेंज करके ये कहीं और, वो भारतीय जनता पार्टी उनको ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं और ये कांग्रेस वाले उसी में फंस जा रहे हैं उस ट्रैक में। कांग्रेस वाले फंस कहां से रहे हैं, वो तो जान के दुनिया को फंसा रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं कांग्रेस। चिल्ला से कोई फायदा नहीं है, बात आप दिल्ली की कर रही थी, क्योंकि जब बात मैं करने लगी तो देखिए ना कांग्रेस के नेता ने बात करनी थी। भारतीय जनता पार्टी क्या है, आप लोग इतने आरोप लगातार इतने सालों लगाते रहे कि हमें बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, हमारे काम को रोका गया, बकायदा धरना होता है राज्यपाल के यहाँ, अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया चले भी जाते हैं। ये बताइए कि अब आप जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्या क्या आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे या कांग्रेस पर भी आपका सीधा निशाना रहेगा? जनता के बीच में ये लेकर के जाएंगे कि केंद्र में बैठी हुई सरकार अगर चाहती तो व्यापारियों का समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी किसी के नहीं, ना राम की है, ना दलितों की है, ना महिलाओं की है, ना पुरुषों की है, किसकी है बताइए? उदित राज इनका सांसद जो कि दलितों की बात करता था, दलितों के हित के लिए बात, उसको उन्होंने मक्खी के तरीके निकाल के बाहर कर दिया। अरे व्यापारियों के नहीं हुए, व्यापारियों व्यापारी त्राई त्राई कर करके मर गया, अपने सारा उसका व्यापार चौपट हो गया, नोटबंदी में चौपट कर दिया, किसके होंगे सिवाय ये अपने? सिर्फ दो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ दो व्यक्ति मोदी और शाह। इन दोनों व्यक्तियों की जोड़ी ने देश को किस कोने पर ले जाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा, और ये अभी 23 तारीख को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के जो ऐसे लोग हैं जो कि इनसे परेशान है कि देश किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। 18-19 में 2018 से 19 में जीडीपी रक्षा बजट हिंदुस्तान का 65 के बाद सबसे कम रक्षा बजट है। गरीबी दर, सैनिकों की सफाई की बात करते हैं और जीडीपी कितनी डाउन है, 6.5 थी पूरे देश में, 1,21,500 करोड़ $500 मिलियन का ऋण 5 सालों में भारत पर हो गया। मुद्दों में बात करिए, हमसे पूछिए आप, अरे भाई मुद्दों में बात करिए, भारत 54वें स्थान से भुखमरी के पायदान पर 104 में पहुंच गए हैं 5 साल में। 37.5 इनकी भारत भारत दिल्ली के बुनियादी मुद्दों पर बात कोई नहीं कर रहा संजय जी, बिल्कुल ठीक है ये। हाँ फिर हम रोड शो पे जाएंगे, आप जल्दी से मैं चाहूंगी आप बोलें। मुख्य बात यही है कि दिल्ली में इस वक्त मुद्दे क्या हैं, पानी, बिजली, सड़क, जो गलियां हैं, जो और भी नाले हैं वो गंदे पड़े हैं, कूड़े का ढेर, ये कुछ नजर आ रहा है आपको? हकीकत ये है उमरा कि अभी तक दिल्ली में पिछली सरकार जो अभी चल रही है आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उनके कामों से बहुत यहाँ की जनता संतुष्ट है, लेकिन ये सगुफा भी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा कि हम भी आएंगे तो हम भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और ये भी इन लोगों ने भी यही राग अलापना शुरू कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जबकि इतना आसान नहीं है, मुझे तो लगता है कि असंभव ही है एक तरह से, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा ये लोग पकड़ लेते हैं जो असंभव ही है, मतलब ये आसान होता है शायद पार्टियों के लिए, आसान होता है, अगर आपको फिर भी समस्याएं काफी है, तो आप इस तरह की समस्याएं काफी है। आप चाहे पूर्वी दिल्ली की बात कर ले, उत्तरी दिल्ली की बात कर ले, दक्षिणी दिल्ली के कुछ पौश इलाकों को छोड़ के बात कर ले, बहुत सारी जगहों पे स्थिति यह है कि वहां डार्क स्पॉट अभी भी है, अंधेरे में है, सब कुछ करने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा इन लोगों के लिए समस्या है, पुलिस नहीं होने की वजह से, हाथ में पुलिस नहीं होने की वजह से यह भी एक समस्या है कि आप किस तरह से करप्शन हो या किसी और अन्य मामले में, ठीक है नहीं योजना लेके आई, लेकिन दिल्ली वालों ने दिल्ली को केजरीवाल ने आंकड़े सरकार ने दे दिए, तो इसका ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का कोई नहीं किया सारी आयुष्मान योजना, आप चुप रहिए, आप लोगों को मत गुमराह कीजिए, आयुष्मान योजना के हमें आंकड़े बताया, बेस पे बेस करिए, आप लड़ाई मत करिए, 2011 की जनसंख्या के आधार पर आपने उस पर डाटा उठा के फीड कर दिया और 85% लोग गायब हो गए। आप बोलने, मैं आपको सारे नाम दे सकता हूँ कई स्टेट, डर रहे हो कि हाँ गैस की, गैस सिलेंडर पर 85% लोगों ने आपसे पैसे गैस ही नहीं लिए, नौकरी के नाम पे आपने 2 करोड़ नौकरी खत्म कर दी। मजबूरी है कि आप कांग्रेस की मजबूरी है कि आयुष्मान योजना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लागू करने के लिए उसे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी ये हम लोग जानते हैं, ये लोग यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते, पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है, गरीब आदमी देख रहे हैं, योजना की बात कर रही है कांग्रेस की, कांग्रेस का व्यू ले लूं बस, ठीक है ठीक है ठीक है जी। सबका साथ सबका विकास जब ये एक छोटी सी लाइन है इसको लेकर के चले हैं तो दिल्ली के एक भी बिल को सेंटर ने पास किया ही नहीं। सवाल ये होता है कि
एक भी किसी भी चीज दिल्ली में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम दिल्ली के साथ आपने जो सौतेला व्यवहार किया है, अगर जो भी हमने किया है, जो हमने किया है, अगर आप थोड़ा सा हाथ हाथ मिला करके काम करते, हाथ मिला करके काम करते, वो धूमिल कर दिया यहाँ की जनता को। आपके साथ अगर तुलना, आपने ईरान, नेपाल, अपने दिल्ली की म्यांमार, बांग्लादेश से होने लगी इन पांच सालों में, दिल्ली नेपाल से हम चौकीदार आयात कर रहे हैं, तो उसको कोई घूमकर कोई व्यापार नहीं आया भारत में सिवा जनता के पैसे का दुरुपयोग। अरे दर्शकों को कंफ्यूजन हो रहा है, आप दिल्ली की बात करने दीजिए। 5 साल में भारत के ऊपर सिखों का कत्लेआम किस पार्टी ने किया? बेरोजगारी की दर बढ़ के पहुंच गई है। एमरजेंसी कौन लाया? कोई पुरानी बात, ये तो भारत मुस्लिम भारत का जन्म 2014 में हुआ है। पिछले 5 साल की बात करें, 5 साल में 5 साल की बात करें, क्या हुआ है भारत का? ठीक है, ये नामदार बात कर रहे हो 70 वर्षों की। अरे आप 5 साल बता दो, आपने क्या किया? आप 70 साल की बात बता रहे हो। एक बात को निकालो, आए थे उन्होंने खोज की थी ऐसे 2014 में एक नामदारी सूट बूट वाले वास्को डिगामा आए थे, उन्होंने जमीन में से खोद के भारत को निकाला। अजय वर्मा और नेहा जी, और जब भारत आया 2014 में, आप कांग्रेस को लेकर अभी कुछ कह रहे थे। एक सेकंड मैं यही कह रहा था कि 5 साल में क्या करा, क्या सर्व किया? नहीं नहीं, आप अपनी बात कहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि दरअसल में कांग्रेस के साथ भी प्रॉब्लम यही है। अजय वर्मा जी, दरअसल में मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में यहाँ के सारी सीटों को उन्होंने जीत लिया है, और कांग्रेस बिल्कुल बाहर है। कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि यदि वो वापसी की बात कर रहे हैं तो इनके पास भी तो कोई रोड मैप होना चाहिए ना। आखिर नहीं, इनकी भी समस्या ये है। केवल और क्या, क्या संजीव कौशल, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस क्या अपने आप वापसी कर सकती है, और उसके पास क्या रोड मैप होगा? क्योंकि एक सेकेंड नेहा, अजय जी एक सेकेंड, अजय माकन और शीला दीक्षित के बीच जिस तरह का रिश्ता अभी रहा है या जिस तरह का भी रैप रहा है, उसको देखते हुए क्या गुटबाजी नहीं होगी? क्योंकि ये हमने सुना कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत हुई, खासकर गठबंधन को लेकर। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल यही लगता है कि इस चुनाव में क्या उन्हें नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है, जितना फायदा अभी से 6 महीने या साल भर पहले जो दिखाई दे रहा था, हमें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद बहुत ज्यादा फायदा में रहेगी, लेकिन केवल और केवल आपसी अंदरूनी गुटबाजी की वजह से इनको उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि हमें पहले दिख रहा था। दूसरी चीज कि ये भी यदि वापसी की बात कर रहे हैं तो ये अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहां बाजी मार ले जाती आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस परिदृश्य से इसलिए बाहर है क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या फिर बाकी अन्य दलों के हिसाब से प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आप वोट ले रहे हैं। मतलब अगर लोकसभा इलेक्शन है तो हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखें यहाँ पर, या दिल्ली में ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा? नहीं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत कुछ है शायद, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास उनके ऐसे कैडर वोटर हैं जो समझ रहे हैं, इस स्थिति को समझ रहे हैं, और वो पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ ही रहेंगे, वो अलग हटने वाले नहीं, वो हटेंगे नहीं, क्योंकि उनको लाभ मिला है, वाकई उन्होंने उनके लिए काम भी किया है, तो उसके हिसाब से वो साथ में रहेंगे। बाकी ये दोनों बच गए तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से इसमें से माइनस में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। महेश गिरी का टिकट कटा और साथ ही उदित राज का टिकट कटा, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई गंभीर नेता, संजीदा नेता हैं, महेश गिरी साहब जो हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं धरने दिए हैं, मैं कई मुद्दों को लेकर आगे चला हूं, लेकिन आज उनको
दरकिनार कर दिया गया टिकट की फहरिस्त से, क्या बीजेपी इसका नुकसान उठा सकती है? देखिए गौतम गंभीर जो है उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, आप देखिए कि वो कितने अच्छे, और बिसाइड्स क्रिकेटर, सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, उन्होंने कई चैरिटेबल प्रोग्राम्स भी करे हैं, चैरिटी इतनी करते हैं, स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, गरीब लड़कियों की जितने भी चैरिटेबल वर्क होते हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, भाजपा ने बहुत सोच समझ कर उन्हें उतारा क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी और रहने वाले दिल्ली के हैं, दिल्ली के लड़के हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहीं के रहने वाले हैं और आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, प्लस आपका चेहरा जाना पहचाना है, लोग आपके इतने फैन फॉलोइंग है, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरा, आपने हंसराज की बात करी तो वो भी स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और उनकी भी फैन फॉलोइंग, क्योंकि एक बहुत बड़े नामी खामी सिंगर रहे हैं तो उनकी भी फैन फॉलोइंग है। तो पंजाबी वर्ग जो उस साइड बनी है और पंजाबी बेल्ट है, कहीं ना कहीं उसका उन्हें लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पंजाबी और बनिया बेल्ट है। ये जो नेहा बता रही है कि ये पंजाबी बेल्ट है या मतलब एक जाति है या उस तरह से हम कहें, तो समीकरण देखकर ये लोग लेकर आए हैं, 24 घंटे के अंदर ये लोग आते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है? नहीं, समीकरण ये अचानक दिखने की बात नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से उदित राज जी जिस तरह से वो लिंक से अलग हट के कुछ बयानबाजी या जिस तरह से उनका लिंक चल रहा था, जिस रास्ते से वो चल रहे थे, लग तो रहा था कि इनके लिए शायद अगली बार रिपीट हो पाना मुश्किल है इनके लिए, वो भी इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उम्मीद रखे थे वो, चूँकि उन्होंने या उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा था, वो मृदुभाषी है, ये भी लग रहा था कि दलितों के एक साफ सुथरे वाले छवि वाले वो एक इंसान है, इसलिए उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा। अब वो कांग्रेस के पाले में है, अब देखना ये होगा कि उस पाले में जाके कितना बेहतर बैटिंग करते हैं और क्या क्या इनका पोल खोलते हैं वो जी। अपने लिए जी, वो एक बहुत अच्छे नेता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसे मैं बोलती हूँ तब आप बोलना शुरू करते हैं, मुझसे पूछी नहीं है आपसे, मैं सिर्फ इतना कहूंगी 37.1 महिला प्रथम, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, 37.1 इनके टाइम में 2013-14 में जो हमारा जीडीपी था, सॉरी गरीबी दर था, वो 37.5 था, जो आज घटकर पिछले 5 सालों में 26.1 हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे नकारा जा सकता है कि नहीं गरीबी तो मतलब झूठे आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक झूठ दिखा रहा है, या कि 5 सालों में गरीबी घटी है, गरीबी 5 सालों में बेरोजगारी घटी है, बेरोजगारी 5 सालों में नहीं, बेरोजगारी 5 सालों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से बहुत सारा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बना, जितने फ्लाईओवर्स बने या जितने एम्स आए, उनमें क्या नौकरियां नहीं मिली, क्या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रहे हम लोगों को आंकड़े? देखिए अभी तो ये आंकड़े, यही मैं कह रही हूँ ना कि आप चेक कीजिए, जो 2014 में मोदी जी ने कहा, जो वादे किए, आज वो आज उन पे बात क्यों नहीं कर रहा है कोई नेता? हम बस सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहते हैं, बात कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं, पर आप लोग सुनने के लिए ना कांग्रेस तैयार है ना विपक्ष तैयार है, वो यही कहेंगे जुमलेबाजी, तुमने कहां से जुमलेबाजी, जब उज्ज्वला योजना 20 करोड़ लोगों को दी गई, 20 करोड़ औरतों को दी गई, तो उसका हिसाब इनको देते हैं तो भी नहीं मानते, तो भी ये झूठे मानते, तो आप बताइए क्या इसमें हम इनको क्या कर ले? लिखी वर्ल्ड बैंक ने बताया है ना, अब आप जवाब दीजिए। मैं तो बोला नहीं इनके भी, एक सेकंड, चलिए मैं जरा एक वाराणसी का जरा बता दूं थोड़ा सा, एक मिनट तो मैं एक बस आपसे जवाब लूंगी। वाराणसी लोकसभा की बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, केजरीवाल को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 75,000 वोट मिले थे। वहीं अगर बात करें यहां से जातीय समीकरण की, तो यहां वैश्य वोट 3.25 लाख से ज्यादा, ब्राह्मण वोट 2.5 लाख से ज्यादा, भूमिहार वोट 1.25 लाख से ज्यादा, राजपूत वोट 1 लाख से ज्यादा, मुस्लिम वोट 3 लाख से ज्यादा, यादव वोट 1.5 लाख से ज्यादा है। तो यह हमने आपको यहां पर बता दिया है कि जो सियासी एक तरीके से आंकड़ा है इसको कहेंगे या समीकरण है, कि ये जो एक जनसैलाब सा उमड़ा है, जो लोगों की तादाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, क्या वो वोट में तब्दील होगा? अजय वर्मा जी, अब आप अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए मैडम, नोटबंदी के बाद नेशनल, मैं सारे आपको आंकड़ों के नाम बता दूँ, आप चेक करा लेना पूरे देश में, नेशनल सर्वे सैंपल एजेंसी ने नोटबंदी के बाद ये आंकड़ा दिया था कि ये घोषणा फेलियर हुई और इसके बाद करोड़ों लोगों का रोजगार छिना है। दूसरा, फोर्स पत्रिका बड़ी
प्रचलित पत्रिकाएं संसार की, उस पर मोदी जी का फोटो भी छपा था, तो पीठ थपथपाई गई थी। उसने कहा है कि 2014 से 2019 के बीच भारत सबसे भ्रष्टतम देश की सूची पर आ गया है, उसी में लिखा हुआ, सारे लोग पढ़ लेना जो दर्शक सुन रहे। मैं कूट पूरी कर दूं, विश्व बैंक की जिनकी ये दुहाई दे रही है, उन्होंने आपको विकासशील देशों की सूची से नाम काट दिया है अभी 2018 के दिसंबर में, ताजा ताजा, उसे भी उठा के पढ़ लेना, आप पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास तो ये रहा ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये रहा, उन्होंने रिपोर्ट और बीबीसी ने ये रिपोर्ट दी, बीबीसी नहीं कह रहा हूँ, विश्व बैंक, मैं विश्व बैंक, आप बीच में सुन लेना, भुखमरी दूर करने में भारत, तो गलत मत, भारत नहीं है, आंकड़े हैं, मैं पूरा करके बता रहा हूँ। 2014 में भारत 55वें स्थान पे था, अब भारत 130वें स्थान पे पहुंच गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस पे भारत 7 आंकड़े भर के 140 नंबर पे पहुंच गया है। अरे कितने आंकड़े गिनाए हम आपको, बेरोजगारी का आंकड़ा तो जो 1 पॉइंट कुछ था वो 6 पॉइंट कुछ हो गया है, गलत आंकड़े, झूठ मोदी जी बोलते हैं। आप अभी कुछ दिनों से चर्चा में आप सुन रही होगी, इंडिया पोस्ट जो भारतीय डाक विभाग है हमारा घाटे में जा रहा है, बीएसएनएल, तो मतलब ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये लगातार वही मैंने बताया, अभी इंडिया पोस्ट पोस्ट ऑफिस बर्बाद हो गया, बर्बाद कर गए मोदी राज में, 4 साल में देश पर 49% कर्ज बढ़ा है, आपका ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट फलता फूला जा रहा है, सरकार का यही काम है, सरकार का यही काम रह गया क्या, आप जो है अपने इसका क्या मतलब रह गया, बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, पीएम को विदेश से हार देना, कांग्रेस का जनाब भारत का जनाब लोगों ने इसीलिए तो उठाया है, आपने 5 साल में आपको बिठाया इसीलिए ना, आपको क्यों बिठाया, अगर उनसे नाराज थे तो आपको दिया, आप उनसे भी ऊपर निकल गए, उनसे भी स्पीड में आपने कर दिया, 5 साल ऐसा चौकीदार है भारत, 5 वर्षों में जैन जनता पार्टी ने हर राजाओं की तनख्वाह दे रहे हैं, नेहा एक सेकंड, अरे आप ही के नेता हैं भाई, उधर देख लीजिए बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए रोड शो में, एक सेकंड अजय जी, बैंक की चौंका देने वाला खुलासा, अजय जी एक सेकंड, एक सेकंड, 100 मिलियन डॉलर इस देश पे, इस रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ा पढ़ ले, जनता भी पढ़ ले, खोल के गूगल पे बता रहे हैं, मतलब इन लोगों को गूगल पे, गूगल और वर्ल्ड पे आपकी वजह से दिखा रहे हैं, आप कह रही है ना कि सबूत नहीं है, ये गूगल नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते इस पे लोग के इनके झूठ, चौकीदार चौकीदार ये भीड़ क्या कांग्रेस को विचलित करती है, क्या ये भीड़ बताती है कि कांग्रेस के अंदर घबराहट है, आप बुला लीजिए, आप भीड़ बुला लीजिए, आती है तो इनके एक सांसद बहादुर सिंह कोरी, इनके एक सांसद, अब मैं अब ये फिर झूठ बोलेंगे, बुलाइए ना, इनके एक सांसद बीजेपी के, मैं नाम भी बता रहा हूँ, आपके भीड़ में कोई आने के लिए तैयार नहीं, भरतपुर से बीजेपी के सांसद बहादुर सिंह कोरी जी ने ये कहा है कि मोदी जी और अमित शाह की जनसभा में बुलाने के लिए हर विधानसभा को 10 लाख और 20 लाख दे के भूल बुलाई जाती है, इंदिरा जी की तरह और राजीव जी की तरह भीड़ अपने आप नहीं आती, भीड़ जमा करने के लिए है तो मुमकिन है भाइयों, चर्चा का टाइम खत्म हो चुका है, ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, 2019 किसका में हम कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना चिल्लाने के लिए और इतना हंगामा करने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आप घर घर में जाके असलियत बताएं।